यार टीटू भाई, अब आईटी सेक्टर में वो बात ही नहीं रही। 1 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है अभी तक। वही यार मन्नू भाई, जो बची कुची जॉब है ना वो ले जाएगा वो, क्या वो चैट जीपीटी देख लेना। वही यार, एक गूगल ने भी निकाल दिया बार्ड AI करके, पता नहीं क्या निकाला है, वो भी ले जाएगा हमारी जॉब। और भाई एक बहुत ही सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, जो अपना DSA राउंड, कोडिंग राउंड, जो भी राउंड होगा ना, इनसे ही निकाल देंगे चैट जीपीटी वगैरह से। भाई अपन लोग बनेंगे एंटरप्रेन्योर, ठीक है भाई, वो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी तरीका है। हाँ यार, उसी की तैयारी करते हैं। चलो शार्क टैंक का नया सीजन आया, उसको देखते हैं। Chat GPT, the viral sensation that could completely reset how we do things. And I think we also need to see the opportunities that this new technology is offering. But the AI program has a dark side, which not many people know about. तो क्या सच्चाई है इस बात में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब अगले कुछ सालों में खत्म होने वाली है? और क्या जो चैट जीपीटी AI है, गूगल का AI है, क्या उसने उस ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखो अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, इससे पहले भी रिसेशन आ चुका है, ये आया था 2008 के टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत सारी जॉब्स गई थी, उस टाइम भी सेम सिचुएशन थी जो अभी है। ये एक शॉर्ट टाइम है जिसमें जॉब्स जाएंगी, लेकिन मार्केट फिर से उभरेगा। तो जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं या कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, तो उनको मैं एक सिंपल आंसर देना चाहूंगा, आप लगे रहो, सॉफ्ट इंजीनियरिंग की जॉब नहीं जाने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस होती जाएंगी। अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी AI, इसके रिलेटेड मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अभी कुछ भी खतरा नहीं है इससे। तो यार मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने 1200 क्वेश्चन सॉल्व किए पूरे एक साल में। आज मैं आपको एविडेंस भी दूंगा, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया थोड़ा एविडेंस भी दो, तो मैं आज आपको अपनी गीक्स फॉर गीक्स लीड कोड इंटरव्यू की प्रोफाइल शेयर करूंगा, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप उनको ऐसा रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर मैं अभी कोडिंग जर्नी की शुरुआत बताऊं आपको, जब मैं अपने बीटेक फाइनल ईयर में पहुंच चुका था, मतलब थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया था, मैं फाइनल ईयर में था, तो मैं TCS का एग्जाम देने गया था। वहां मुझसे बेसिक प्राइम नंबर का क्वेश्चन नहीं बन पाया था, लेकिन जब मैं वहां से एग्जाम देके बाहर आया, तो मैंने अपने दोस्तों को देखा, उन्होंने कहा कि मैंने तो 15-20 मिनट में ही पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, उसमें MCQ और क्वेश्चन थे, और मुझसे तो वो हुआ ही नहीं था। तो इतनी शर्म आ रही थी उस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। और वो लोग बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं उस टाइम कोडिंग में नया था, तो ये चीजें मेरे लिए सब कुछ नई थी कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या कि नई लैंग्वेज, नई टर्म्स, तो उन चीजों में थोड़ा घबरा गया था और एक रिग्रेट भी हो रहा था, थोड़ा जेलिसी भी आ रही थी, यार लोगों को इतना सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता। आपको थोड़ा रहता ही कि आपके दोस्तों को आता आपको कुछ नहीं आता, तो वाला गिल्ट मेरे अंदर था। तो वहां से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी, मैंने गेट की प्रिपरेशन करी, उसके बाद जब मैं गेट क्रैक करके आया तब मैंने एग्जैक्टली अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैंने C++ करी। आपके पास भी दो लैंग्वेज हो सकती है, C++, जावा, पाइथन, बहुत सारी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप C++ से जाएं। क्यों मैं C++ को इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि इसके सॉल्यूशन, जब भी आप क्वेश्चन से अटकेंगे एज अ बिगनर, तो आपको हेल्प होगी, आपको उनका सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा नेट पे और यूट्यूब पे। वहीं अगर लैंग्वेज की बात करूं, उसमें आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। और अगर आप सोचते हैं कि कंपनी के अंदर आप दूसरी लैंग्वेज पे काम करने वाले, जैसे जावा पे, पाइथन पे, तो यार वो लैंग्वेज सीखने में आपको मैक्स टू मैक्स 1 वीक लगेगा, स्विच करने में इजी रहेगा, आपको बेसिक क्लियर होंगे C++ के, तो आप इजीली स्विच कर पाओगे वहां पे, क्योंकि वहां बहुत सारी लाइब्रेरीज भी यूज होती है, तो आपके लिए उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्विच करना बहुत इजी हुआ। तो यही मेरा माइंडसेट था कि मैं इनको पढ़ूंगा। उसके बाद मैंने ऊप्स पढ़े, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट उतने हेल्प ही करे, लेकिन हाँ जब मैं अपने कोडिंग या आगे के इंटरव्यू में गया, तो वहां पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट में हेल्प करी। उसके साथ ही मैंने वहां पे STL पढ़ा। STL क्या होता है भैया? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। STL एक शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको क्यू को इंप्लीमेंट करना है, तो आप सीधा क्यू को डिफाइन करके उसको यूज कर सकते हो। आपको बहुत बड़ा 15-20-25-30 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसी अनऑर्डर्ड मैप, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, तो अगर आप STL कर लोगे तो तब आप DSA की ओर आ सकते हो। तो यार मैंने यहाँ पे 3 चीजें की ध्यान दी। जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ूंगा, तो मैं खुद से 3 क्वेश्चन पूछूंगा। WSW, ये क्या है? सीक्रेट फॉर्मूला। देखिए WSW मतलब है why I have to learn this topic, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों है? ओके, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, H जो सेकंड S था। उसके बाद लास्ट वाला W आएगा, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस टॉपिक। अगर आप इन 3 चीजों पे क्लियर हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को इजीली सीख सकते हैं। DSA का मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज पहले ले चुके थे, मैं RBS सर के लेक्चर से, लेकिन मैंने उन्हें कभी इंप्लीमेंट नहीं किया था। वो इस तरीके से हो गया था कि मान लो आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, फुटबॉल के शौकीन होंगे, आप देखते होगे दिन रात हाईलाइट, आप क्रिकेट देखते होंगे, जब भी विराट कोहली आउट होता होगा आप बोलते हैं यार इसने आउटसाइड वाली बॉल क्यों खेली, तो हम दिमाग में तो सोचते हैं कि हमें पता कैसे करना है, लेकिन जब हम खुद खेलने जाते हैं क्रिकेट, तो हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, इवन तो हमें पता कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो वही होता है सेम, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैंने जब गेट की तैयारी करी थी, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ वीडियोस वगैरह देखता था, मतलब क्वेश्चन वैसे ही से कर रहे थे पेन पेपर में, कभी मैंने प्रैक्टिकल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। जब मैं स्विच करके प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने आया,
तो मेरे पसीने छूट गए, मुझे सिर्फ सिंपल सिंपल प्रोग्राम बने थे, सिर्फ टेबल का प्रोग्राम हो गया बस इस टाइप के कोड। तो वहां पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि मुझे यार गीक्स फॉर गीक्स से कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो मैंने गीक्स फॉर गीक्स से स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ते क्यों हैं? तो यार डीएसए पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप किसी की प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे हो, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो तो बड़ी कंपनी आपसे क्या चाहती है कि आप उनकी कॉस्ट बचाएं, आप जल्दी जल्द उन्हें आउटपुट दें। तो कंपनी की कॉस्ट क्या होगी, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है उनके पास क्या होता है, उनके पास मैक्सिमम डेटा होता है, उस डेटा को मुझे स्टोर कराना है, इस तरीके से स्टोर कराना है कि मैं कम से कम स्पेस ले, और क्या वो हमसे मांग करते हैं कि मैं उसको इजिली फैच कर पाऊं, इजिली एक्सेस कर पाऊं, कोई भी ऑपरेशन मुझे करना हो वो कम से कम टाइम पे हो। तो यही बेसिक ऑपरेशन होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में। मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज होती है लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे समझ सकते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर, आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने एक शॉप खोली है, एक नई दुकान खोली है, आप अभी उसमें सामान भर रहे हैं, आपके दुकान में आया है आटा, चीनी, चावल, रसना, बहुत सारी चीजें, और आपने क्या करा, जो भी सामान आ रहा आप दुकान में ठूसते जा रहे हैं। आपके बाद जिस दिन आपका ओपनिंग डे था, आपका फर्स्ट कस्टमर आया, उसने कहा कि भैया मैं कल रात पार्टी में था, मेरा पेट खराब हो गया था, तो मुझे एक इनो का पैकेट दे दियो, तो आप अपने दुकान में ढूंढने गए क्योंकि आपने सारा सामान बिखेर के रखा हुआ है, आपको पता नहीं इनो का पैकेट कहाँ है, तो आपको 15 मिनट लग गए उसको ढूंढने में, तब तक क्या होगा, कस्टमर भाग जाएगा, यही होगा। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके दुकान में सामान है उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखें, जो सुगर है उसको सुगर की जगह रखो, इनो को इनो की जगह रखो, जो भी आपकी दाल है उसको एक जगह में रखो, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या सामान कहाँ पे रखा है। उसी तरह के जो मेरा डेटा है, किस टाइप का डेटा है, उसके लिए मुझे प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर चूज करना होगा, प्रॉपर तरीके से डेटा को स्टोर करना होगा, तभी मैं उसको इजीली फेच कर पाऊंगा। उसके बाद आप सोचोगे कि भैया फिर एरे, क्यू, लिंक लिस्ट ये क्या है, तो ये भी डेटा को स्टोर कराने के तरीके हैं कि मैं डेटा को किस तरीके से स्टोर करा सकता हूँ। अब एरे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, मान लो आपको दो नंबर स्टोर कराने हैं तो आप क्या करोगे, आप ए और बी लोगे, उसमें दो नंबर स्टोर करा दोगे। अगर मैं आपको बोलूं आपको 20 नंबर स्टोर कराने, आप क्या करोगे, ए बी सी डी जेड तक लिख दोगे और 20 नंबर स्टोर करा लिए। अगर मैं आपको बोलूं आपको 1000 नंबर स्टोर कराने, तब तो आप ए बी सी डी लिख के नहीं कराओगे स्टोर, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वहीं पे मेरा एरे यूज होता है। समझे कॉन्सेप्ट कि एरे क्यों यूज हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया था why I am learning this topic and how we are going to solve this problem and what is the limitation। हमें तो पता चल गया कि एरे का यूज क्यों हो रहा है, हम कैसे उसको स्टोर करा रहे हैं, अब इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। मान लो आप MBHI वाला हो, ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, आपको अपनी शॉप खोलनी है, अब आप क्या करोगे, क्या आप ऐसा करोगे कि आपने 20 की 20 दुकानें एक ही बार में खोल दी, एक इंडिया में, एक ऑस्ट्रेलिया, ऐसी 20 जगह आपने दुकानें खोल दी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपकी दुकान फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह अपनी दुकानें खोल दी हैं, मे बी आपका जो प्रोडक्ट है चाय का वो उतना ना चले और आप फ्लॉप हो सकते हो। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, पहले आप अपनी शॉप इंडिया में खोलोगे, अगर वो अच्छी चलती है फिर मैं आगे खोलूंगा ऑस्ट्रेलिया जाके, अगर वहां भी अच्छी चलती है तब मैं यूएसए में खोलूंगा, इस तरीके से एक्सपेंड करूंगा। तो वही जब हम एरे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पहले बताना पड़ता है कि हमें कितनी मेमोरी की जरूरत है, हमें पहले बताना पड़ेगा अच्छा मुझे 20 मेमोरी की जरूरत है। हमें रन टाइम में कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले पता नहीं होता एडवांस में कि मुझे कितना सामान चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो वहीं पर हमारा लिंक लिस्ट यूज होता है। जितनी मेमोरी की मुझे रिक्वायरमेंट है मैं रन टाइम में उतनी ही लूंगा। उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हो, आप क्यू पढ़ सकते हो, लिंक लिस्ट पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज पढ़ सकते हो। इस पूरे टॉपिक को मैंने एक वीडियो में कवर किया, उसका आई बटन आपको ऊपर मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। अब एल्गोरिथम क्या होता है भैया, एल्गोरिथम होता है अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर तो आपने ले लिए, अब उसमें आप एल्गोरिथम यूज करते हो प्रॉपरली तो आप इजीली किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लो आपको डेटा का मीनिंग ढूंढना है किसी डिक्शनरी में, आप क्या करते हो, डिक्शनरी खोलते हो, मान लो आपको ई मिला तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट साइड में देखोगे डी को ढूंढने के लिए डेटा को, इस तरीके से करते हैं ना। सेम चीजें हम बाइनरी सर्च में करते हैं, आप अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे आपको समझ आएगा कहां बाइनरी सर्च यूज होता है। जब मेरा डेटा सॉर्टेड वे में हो, पहले तो मुझे सॉर्टेड वे में लिखना है फिर उसके ऊपर बाइनरी, इस तरीके से आप इनको अगर रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत इजीली आप किसी भी टॉपिक को ग्रैस्प कर सकते हो। फिर आपको साथ में उनकी लिमिटेशन भी पढ़ती जानी है ताकि आप एक के बाद एक टॉपिक को कनेक्ट करते रहें। अब जब मैं गीक्स फॉर गीक्स में कोडिंग कर रहा था वहां पे मुझे क्या दिक्कत हुई, जब मैं रैंडमली क्वेश्चन कर रहा था तब मुझे दिक्कत हुई कि जब आप रैंडमली चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करते हो, मान लो आज आपने क्यू कर लिया, अगले दिन लिंक लिस्ट पढ़ दिया, तो आप क्वेश्चन तो कर रहे हो और उस टाइम मे भी आपको समझ आ जा रहा है, लेकिन आप जब आगे जाकर क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे बहुत हाई चांसेस है कि आप उस टॉपिक को भूल जाओगे। तो यही मेरे साथ हो रहा था। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट किया, इजी लेवल के मैं सारे क्वेश्चन करता था, कौन कौन से जिसमें कंपनी के टैग होते थे। जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन में नहीं जाता था, जब मुझे इजी में कॉन्फिडेंस आ गया तब मैं मीडियम लेवल के
क्वेश्चन में जाता था एरे के, जब मैं सारी कंपनी के टैग के मिनिमम लेवल के क्वेश्चन कर लेता था उसके बाद मैं हार्ड लेवल पे जाता था। आपको ये बहुत दिक्कत आएगी, इनिशियली आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये मेरे साथ बहुत कॉमन होता था। अगर आपके साथ भी हो रहा है कि इस टॉपिक के इनिशियली आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बहुत कॉमन है, टॉपिक को देखो, एक टाइम फ्रेम दो कि मैं इसको 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट दूंगा, उससे ऊपर नहीं चाहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। अपने लिए खुद के लिए टाइम डिसाइड करो, एक घंटे से ऊपर तो मत ही दो किसी क्वेश्चन को, वरना आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और 10 मिनट भी मत ही दो कि आप सोच ही नहीं रहो, सीधा आंसर पर जंप कर दे रहे हो। तो उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो आप यूट्यूब पे, या फिर एडिटोरियल में सॉल्यूशन दे सकते हो जो मैं करता था। उसके बाद सारा कोड खुल दिखता था, भले ही मुझे पॉइंट टू पॉइंट जिस भी वीडियो को मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे लिखना पड़ रहा हूँ। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जब मैं इस तरीके से आगे बढ़ता गया तो मैंने 590 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे गीक्स फॉर गीक्स में, और मेरी आयर 1 थी गीक्स फॉर गीक्स में IIT गुवाहाटी में जब मैं कर रहा था। लेकिन अभी तो मेरे साथ 9वीं 10वीं रैंकिंग हो चुकी है, क्योंकि पिछले एक साल में काफी बच्चों ने IIT गुवाहाटी कोडिंग प्लेटफॉर्म को यूज किया। उसके बाद मैं जंप किया इंटरव्यू में, इंटरव्यू में मैंने सेम स्ट्रेटजी लगाई, वहां पे हाँ मुझे दिक्कतें हो रही थी, वहां पे थोड़ा टफनेस लेवल हाई चले जाता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि पहले मैं बहुत सारी प्लेटफॉर्म पर कोड लिखूंगा, जब मुझे लगा कि हाँ गीक्स फॉर गीक्स मेरा खत्म हो चुका है तब जाके मैं इंटरव्यू पर गया। इंटरव्यू भी मैंने लगभग पूरा सॉल्व कर लिया था, 350 प्लस मैंने क्वेश्चंस वहां भी किए। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया था उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई डीपी में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, क्योंकि वहां पे मैं टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। वो बहुत ही गलत अप्रोच है, आपको उसको रिकर्सन से ही सॉल्व करना है। हाँ आप टेबल पे तब जाएं जब आपने रिकर्सन वाला मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो, अदरवाइज आपको फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे रिकर्सन आपको थोड़ा दिक्कत देगा, ग्राफ थोड़ा दिक्कत देगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर दिक्कत देगा। अगर आपका रिकर्सन में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए ग्राफ और डीपी काफी इजी हो जाएगा, अगर आप मेरी बात मानो तो। यार मैंने लीटकोड में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे, वहां पे मेरा फोकस था थोड़ा डीपी पे, थोड़ा उसके हार्ड और मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे, वहां पे मैंने 140-150 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके अलावा मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे IITs में 150-200 मैंने वो भी सॉल्व किए, थोड़ा मैंने हैकर रैंक हैकर अर्थ मेरे को थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। इस तरीके से मैंने टोटल 1200 क्वेश्चन सॉल्व करे। जो भी मेरे कोडिंग प्लेटफॉर्म की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाँ कई बार क्वेश्चन में मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, तो मैं क्या करता था, मेरे रियली मेरे साथ ऐसा होता था क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैं सॉल्व ही नहीं करता था, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता, जो पिछले कुछ लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं उन्हीं को कॉपी करके पेस्ट कर देता, सबमिट कर देता, वो ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता था। तो वाली गलती आप बिल्कुल ना करें, खुद से क्वेश्चन को अटेंड करें। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमसे बन ही नहीं रहा है, अब बहुत टाइम भी लग गया, 3-4 दिन भी लग गए, हम सॉल्यूशन देख रहे तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को फिर छोड़ ही दें, उसमें अटके मत रहें, कई बार होता है ये, तो ये काफी चीजें नॉर्मल है। एक चीज और बहुत ध्यान रखें कि अपने डे 1 को किसी के डे 100 से कभी भी कंपेयर मत करना, कि आप आज कोडिंग शुरू कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि दोस्तों बहुत आगे हैं आपसे और आप खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तो उन चीजों को हम बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं लाएंगे। और लास्ट बात जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यार अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाओ, ठीक है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरीके से आप अप्रोच पे जाएंगे, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, वो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो क्या आपको भी 1200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या आपका काम 200 क्वेश्चन में हो जाएगा? तो क्या जो भी लोग कहते हैं उनको 150-200 क्वेश्चन में आप इजी कोई भी कोडिंग राउंड निकाल सकते हो, या मुझे नहीं पता वो लोग कहां से आए हैं, क्योंकि 250-300 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं ताकि आपकी इंट्यूशन बने, कि इतने डिफरेंट टाइप के तो क्वेश्चन ही होते हैं। उसके बाद आपको अगर प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन को समझोगे, उसकी इंट्यूशन को समझोगे, तो मेरे को लगता है कि 500-600 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करने चाहिए अगर आप कोडिंग राउंड में जाते हो किसी भी कंपनी के। अगर आपको एम करना है गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, उबर जैसी बड़ी कंपनियां, तो आपको 500-600 एटलीस्ट क्वेश्चन करने हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3-4 हजार कोडिंग क्वेश्चन तक सॉल्व किए हुए हैं। देखो 200 वाले चक्कर में मत फंसे, क्योंकि होप सेल्स बेटर देन रियलिटी, वो आपको सिर्फ होप सेल कर रहे हैं कि 200 क्वेश्चन करके भी हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़े। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।